रियासत तेलंगाना में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद तौसी की गई है और पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी बनाया जा रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह बैरिकेड्स लगाते हुए गाड़ियों को तनकी की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये मुहिम सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई और गैर जरूरी सड़कों पर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। हॉस्पिटल जाने वाले लोगों और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के बावजूद अपनी मुलाजिमत अंजाम देने की इजाज़त है, उनके आईडी कार्ड देकर उन्हें बिना रुकावट जाने दिया जा रहा है। वाजह है कि हैदराबाद डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने पुलिस के आला अहदेदारों के साथ कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इजलास मुनक्किद करते हुए पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी थी कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी को यकीनी बनाएं। इसी सिलसिले में आज DCP ईस्ट जोन ने हल्के मलकपेट के मूसारामपेट चौरस्ता राजीव चौक पर चेकिंग की और आवाम को मशवरा दिया कि बिना वजह घरों से बाहर ना निकले। अगर किसी मजबूरी के तहत निकलना भी हो तो मास्क लगाकर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपना काम होने के फौरन बाद मकान को लौट जाए। इस मौके पर लॉकडाउन के अहकाम तोड़ने वालों पर जुमला 145 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें 19 टू व्हीलर्स, 9 आटोस और 1 कार शामिल है। हर अहम खबरों के लिए HKA हक की आवाज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आपका आईडी कार्ड, ड्राइविंग डॉक्टर ले ले ले, मतलब वाइफ को।